कार्टूनों में पालक खाना तो बहुत जरूरी होता था। क्या आपको पता है कि मशहूर कार्टून कैरेक्टर पॉपाय की ताकत बढ़ाने के लिए पालक एक गलती की वजह से चुना गया था? बचपन में मुझे पालक के नाम से ही नफरत थी, पर जब से मैं बड़ा हुआ हूँ ये मेरी एक जरूरत बन गया है। पालक से काफी कुछ बनाया जा सकता है। आप इसे पालक पनीर बना सकते हैं, पालक साग बना सकते हैं और पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं। पालक साइड डिशेस में काफी इस्तेमाल होता है। अमेरिका में साल दर साल पालक की मांग बढ़ती ही जा रही है और कोचेला कैलिफोर्निया के ओशन मिस्ट फार्म्स में लोग इसे हमारे लिए उगाने में जी जान से लगे हुए हैं। ये मशीन कुछ ज्यादा तेज नहीं है, पर इसके आसपास काम करने वाले लोग बड़े ही मुस्तैद हैं। आज ये कितने एकड़ पालक काट लेंगे? आज सुबह हमारे पास दो हार्वेस्टर्स काम कर रहे हैं और हमें करीब 4 से 4,500 डब्बे पालक से भरने हैं, तो इस हिसाब से करीब 4 एकड़ पालक काटना होगा। दोनों मजदूरों ने सुबह 6:30 बजे काम शुरू कर दिया था और दोपहर 3 बजे तक काम खत्म हो जाना चाहिए। वाह, ये लोग अपने घुटनों पर हैं। और ये लोग हमारे लिए पालक तोड़ने के लिए दिन भर में करीब 1.5 किलोमीटर घुटनों पर चल चुके होते हैं। एक अमेरिकन साल भर में औसतन 1.5 किलो पालक खा लेता है और उसमें से करीब 1/3 फ्रोजन या कैंड होता है। हमें सबको पालक बिल्कुल ताजा अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ उग रहा है। यहाँ जितना भी पालक आप कटते और पैक होते हुए देख रहे हैं ये सारा आज ही बिक जाएगा और बिकने के लिए ये दोपहर तक यहाँ से निकल जाएगा। कैलिफोर्निया के ग्राहक के पास ये रात तक पहुँचेगा और ईस्ट कोस्ट के ग्राहक के पास पहुँचने में इसे करीब 3 दिन लग जाएंगे। यहाँ के लोगों का पालक को पैक करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। ये पहले तो गट्ठा बना रहे हैं, फिर इसे लपेट रहे हैं, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिना जड़ों के पालक का गट्ठा बनाना, और इसकी लंबाई 8 या 8.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ताजा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। जमीन से निकलने पर ये अभी भी ठंडा है। ये काफी करारा है और स्वादिष्ट भी है, पर जितना मैंने सोचा था ये उस हिसाब से ताजा पालक स्वाद में थोड़ा हल्का है। पालक को पॉपाय नाम के एक कार्टून कैरेक्टर की ताकत का राज माना जाता है और इसका कारण है एक टाइपिंग मिस्टेक। 1870 में एक वैज्ञानिक ने पालक में आयन की मात्रा के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कि हेर फेर की वजह से आयन की मात्रा 10 गुना ज्यादा हो गई थी और इसे 1937 तक मेडिकल जर्नल्स में ठीक नहीं किया गया। पालक में आयन की मात्रा अच्छी जरूर होती है और हर 100 ग्राम पालक में 2.1 मिलीग्राम आयन होता है, पर इतना आयन तो ज्यादातर हर सब्जी में होता है। इन्हें घुटनों के बल काम करने में काफी मुश्किल होती होगी, है ना? सही कहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं ये काम एक हफ्ता भी कर लूं तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी ना। मुझे लगता है आप एक दिन भी यहाँ नहीं टिक पाएंगे। मुझे उनकी बात माननी पड़ी और इसलिए मैंने पालक को बॉक्सेस में डालने का काम चुना। ये काम काफी फूर्ति का है और अपनी रफ्तार बनाए रखनी भी जरूरी है। आप ये गलत रख रहे हैं, आपको पहले दाईं ओर रखना है। अच्छा, पहले दाईं ओर? हाँ। मैं पहले दो गट्ठे डालने में ही गलती कर चुका हूँ, पता है। आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हें ऐसे लेबल बाहर की तरफ होना चाहिए। हाँ, ये लोग मुझ पर नए रूल्स लागू कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। आप क्या लगता है आपको? बाई तरफ, ठीक है ना? दाई तरफ, यहाँ पे। लगता है मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। अच्छी कोशिश है बॉबी। अच्छा, उतना भी बुरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, अब ये दुकानों में जाने के लिए तैयार है। वेरी गुड जॉब बॉबी। 4,500 डिब्बों में से 2 डिब्बे हो गए। अगर मैं ऐसे काम करता रहा तो हमें यहाँ काफी देर लग जाएगी। पालक के हर बॉक्स में ट्रेस बैक स्टिकर लगाया जाता है जो ओशन मिस्ट की फूड सेफ्टी के लिए निष्ठा का प्रतीक है। अगर इस कंपनी की उपज की वजह से किसी ग्राहक के स्वास्थ्य को कोई नुकसान होता है तो फसल की शुरुआत से उसका ब्यौरा मिल सकता है। अगर हमारे पास ये कार्टन है तो हमें ट्रेस बैक स्टिकर के जरिए फसल के बारे में पूरी जानकारी मिल ही सकती है और साथ में हमें ये भी पता चल सकता है कि इसे पैक किसने किया था, जैसा इसमें है पैकर नंबर 9। तो अगर पैकिंग में गड़बड़ हो तो हम उसे फिर से ट्रेनिंग दे सकते हैं, और अगर क्वालिटी में गड़बड़ हो तो हमें पता चल सकता है कि फार्म के किस हिस्से को हमें अगली फसल के लिए ठीक करना है। बिल्कुल, जिस जगह से फसल खराब निकली है हमें उस जगह के बारे में पता चल सकता है। आजकल फूड प्रोडक्शन कर रही हर कंपनी जमीन और वर्कर संबंधित सारी जिम्मेदारी ले रही है, तो आप लोग ये सब कब से कर रहे हैं? हमें ये काम करते हुए अब तकरीबन 15 साल से भी ज्यादा।